देश में जब भी कहीं पर दंगे होते हैं या कोई बड़ा विवाद होता है तो हालात काबू करने के लिए धारा 144 लगाई जाती है। माने वहां पर ना तो कोई भीड़ इकट्ठा हो सकती है और ना ही कोई प्रोग्राम या नारेबाजी हो सकती है, और तो और चार लोग भी एक साथ नहीं खड़े हो सकते। इसके बाद जब हालात नॉर्मल हो जाते हैं तो उसे हटा भी लिया जाता है। लेकिन इसी इंडिया में एक स्टेट है राजस्थान, इसकी कैपिटल है जयपुर, और इसी जयपुर में एक ऐसी कोठी है जहां पिछले 31 साल से कंटिन्यू धारा 144 लागू है। आज तक न जाने कितनी सरकारें बदली, पुलिस अधिकारियों के तबादले हुए, लेकिन एक चीज जो इतने सालों में कभी नहीं बदली वो यहाँ की धारा 144। अब तक यहाँ 162 बार धारा 144 लगाने के ऑर्डर दिए जा चुके हैं। जी हाँ, ये एक ऐसी कोठी है जिसमें एक जमाने में रियासतें सजती थी, लाल कृष्ण आडवाणी आते थे, लेकिन अब इस कोठी के अंदर एक परिवार रहता है और बाहर रहता है धारा 144 के तहत लगा पुलिस का पहरा। ऑर्डर इतने सख्त हैं कि कोठी में डीजे बजाना, भीड़ इकट्ठी करने जैसी कई पाबंदियां हैं। ऐसे में सवाल आता है कि इस कोठी में ऐसा क्या है, वो कौन लोग हैं जो इसके अंदर रहते हैं, आखिर एक घर के बाहर धारा 144 लगाने का क्या राज है। चलिए सब कुछ बताता हूँ इस वीडियो में, बस आप वीडियो के लास्ट तक साथ में रहना। राजतंत्र से लोकतंत्र की गवाह। देखिए, जब कभी जयपुर जाएंगे तो आप जयपुर की बॉल सिटी के गंगा पोल रोड पर बास बदनपुरा की तरफ जाते वक्त आपको सड़क पर एक बदहाल सी पड़ी एक कोठी दिखाई देगी। इसे खाजरियावास कोठी कहा जाता है, जो पिछले 31 सालों से धारा 144 के साए में जी रही है। ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसी थी, एक वक्त था जब इस कोठी में कभी रौनकें लगती थी। आजादी से पहले इस कोठी में जयपुर रियासत के जज रहा करते थे। आजादी के बाद देश के उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत से लेकर देश के प्रधानमंत्री रहे लाल कृष्ण आडवाणी यहाँ संघ की शाखाएं लगाते थे। इस घर ने अपने रंग रूप से लेकर शानो शौकत से लेकर खंडर तक का मंजर देखा है। एक वक्त में सबसे चर्चित घर का आज आलम ये है साहब कि आज लोगों को ये तक नहीं पता कि यहाँ पर धारा 144 लगाई क्यों गई है। आसपास रहने वाले लोगों को भी इसके बारे में नहीं पता है। ज्यादातर लोगों का मानना है कि ये कोठी मुस्लिम इलाके में है और कानून व्यवस्था बनाने के लिए धारा 144 लगाई गई है। लेकिन क्या सिर्फ मुस्लिम इलाका इसकी वजह है? कोठी के पास ही कचौरी समोसे बनाने वाले बाबूलाल और परचून की दुकान चलाने वाले सुरेश कुमार अग्रवाल ने ये बताया कि हमारी तो उम्र बीत गई धारा 144 लगी हुई देखते देखते। बस इतना जानते हैं कि 1993 में हुए कम्युनल रायट्स के बाद इस इलाके में धारा 144 लगाई गई थी। अब इस एक जवाब से यहाँ दो बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं। पहला तो ये कि अगर सच में दंगे भड़कने के अंदाजे में ही धारा 144 लगी है तो सिर्फ एक कोठी पर ही क्यों लगाई गई, पूरे इलाके में क्यों नहीं? और दूसरा ये कि क्या 31 साल बाद भी हालात इतने बिगड़े हुए हैं कि धारा 144 नहीं हटाई जा सकती? अब सुनने में तो ये सवाल मामूली सा लगता है। ऐसा लगता है कि आपको सिर्फ पुलिस वालों के पास जाना है और वो आपको बता देंगे। लेकिन मेरे दोस्त, अगर बात इतनी सी होती तो क्या ही बात होती। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन सवालों के जवाब के लिए RTI की जरूरत पड़ी, क्योंकि कोई पुलिस अधिकारी मामले में कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं था। ज्यादातर ने चुनावी तामझाम बताते हुए टाल दिया तो कुछ बात करने के लिए ही तैयार नहीं हुए। एक मीडिया रिपोर्ट में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एंड असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस डॉक्टर हेमंत जाखड़ ने बताया कि खाजरी आवास हाउस पर धारा 144 लगाने की असल वजह इस प्रॉपर्टी के मालिकाना हक को लेकर पैदा हुआ विवाद। जी हां, हवेली के मालिक जयपुर रियासत ने राजपुताना हाउस के जज रहे ठाकुर कल्याण सिंह के बेटे ठाकुर सुरेंद्र सिंह हुआ करते थे। सुरेंद्र सिंह ने इसे मुनव्वर चौधरी नाम के एक बिल्डर को बेच दिया था। मामले में पेंच तब फंसा जब मुनव्वर चौधरी ने इस हवेली को डायरेक्ट ठाकुर सुरेंद्र सिंह से खरीदने की बजाय रमेश शर्मा नाम के किसी आदमी के नाम से खरीदी। 1993 में इस हवेली का पहला बेचना और रजिस्ट्री रमेश शर्मा के नाम पर हुई थी। बाद में मुनव्वर चौधरी ने रमेश शर्मा से ये हवेली खरीदी और फिर मालिकाना हक जताते हुए कब्जा ले लिया। अब इस हवेली के आंगन में मेन गेट के सामने भौमिया जी का एक मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर में पहले लोग पूजा पाठ करने के लिए भी आते थे, लेकिन जब इसे मुनव्वर ने खरीदा तो उसने पूजा पाठ बंद करवा दिया था। तब ये बात जाहिर हुई कि हवेली मुनव्वर चौधरी ने खरीद लिए सा। इसके बाद आसपास के लोगों ने परिसर में बने मंदिर को तोड़े जाने की आशंका जताई और इसका विरोध करना शुरू कर दिया। अब ये वो दौर था जब देश में बाबरी मस्जिद का विवाद भी ताजा था। प्रशासन को दंगा भड़कने की आशंका थी। मामले की गंभीरता को समझते हुए तत्कालीन जयपुर कलेक्टर SN थानवी ने पहली बार 20 मई 1993 को हवेली और उसके अंदर के दायरे में धारा 144 लगाने का ऑर्डर दिया। 1993 से शुरू हुआ ये सिलसिला 4 साल तक चलता रहा। अब 1993 का रिकॉर्ड तो कहीं दर्ज नहीं हुआ, लेकिन धारा 144 इस घर में लगातार लगती रही। ऐसे में साल 1997 से इसका रिकॉर्ड सुभाष चौक थाने में रखा जाने लगा था।
धारा 144 के ऑर्डर की कॉपी पर 1997 में तत्कालीन एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एलसी असवाल के सिग्नेचर हैं, जिसमें उन्होंने हवेली पर 26 मई से 25 जुलाई 1997 तक धारा 144 लगाने के ऑर्डर जारी किए थे। अब आते हैं उस सवाल पर कि अब तक क्यों लगाई जा रही है धारा 144। देखिए, घर के परिसर में बना भौमिया जी का मंदिर को तोड़े जाने की आशंका के बाद यहाँ धारा लगाई गई थी। तब से इसी वजह का हवाला देकर हर दो महीने में इसकी मियाद बढ़ा दी जाती है। फिर इस हवेली के बेचने को लेकर भी विवाद रहता है। ये प्रॉपर्टी 1992 में बाबरी मस्जिद विवाद के बाद हुए सांप्रदायिक दंगों के दौरान बेची गई थी। इसके अलावा ये एक मुस्लिम इलाका है और ऐसे मंदिर बंद होने के बाद से ये थोड़ा सेंसिटिव इलाका भी बन गया। हालांकि वहाँ के लोग इस बात को नहीं मानते, पर प्रशासन ये बात अब भी मानता है। इसके अलावा यहाँ पिछले साल बाइक भिड़ने के मामूली विवाद के बाद आपसी झगड़े में इकबाल खान नाम के आदमी की हत्या हुई थी। ऐसे में पुलिस को लगा कि मामला और ना बढ़ जाए, इसके बाद यहाँ पर एक पुलिस चौकी बना दी गई। हर दो महीने में इस हवेली पर लगती है धारा 144। जब भी धारा 144 की मियाद खत्म होने वाली होती है, तब एसपी ऑफिस सुभाष चौक थाना अधिकारी से पूछता है कि इसे आगे बढ़ाना या नहीं। इस बारे में मौके पर जाकर मुआयना करें और एक डिटेल्ड रिपोर्ट हमें भेजें। इसके बाद थाना अधिकारी जाते हैं, मुआयना करते हैं और एक रिपोर्ट बनाते हैं और एसपी ऑफिस भेजते हैं। इस रिपोर्ट के बेस पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एंड असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस धारा 144 की अवधि को 2 महीने के लिए फिर से बढ़ा देता है। एक बार फिर 2 महीने के हिसाब से अब तक इस हवेली पर 1997 से 162 बार धारा 144 लग चुकी है। माने थाना अधिकारी के हिसाब से अभी तक यहाँ पर हालात नॉर्मल नहीं हुए। धारा 144 लगाकर क्या ऑर्डर देती है पुलिस, एक बार आपको ये भी बता देता हूँ कि धारा 144 होती क्या है। दरअसल धारा 144 का ऑर्डर मजिस्ट्रेट एंड असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस देते हैं, जिसके मुताबिक खाजवी आवास कोठी और उसकी 500 मीटर की रेंज में कई पाबंदी लगाई जाती है। जैसे कोई भी इंसान यहाँ पर कोई प्रोग्राम, कीर्तन, कवाली, प्रसादी, उद्घाटन या नारेबाजी नहीं कर सकेगा। 5 या 5 से ज्यादा लोग यहाँ पर इकट्ठा नहीं होंगे। नारेबाजी, जुलूस निकालने, सड़क जाम करने पर भी रोक रहेगी। किसी भी तरह का कोई हथियार लेकर यहाँ नहीं चल सकेगा। हालांकि सरकारी ड्यूटी पर काम कर रहे अधिकारियों कर्मचारियों पर ये ऑर्डर लागू नहीं होगा। इस ऑर्डर का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत अभियोग चलाया जाएगा। कैसे मिली ये हवेली? अब हवेली और धारा 144 के बाद थोड़ी बात जरा इस रियासत की करते हैं। देखिए, ठाकुर सुरेंद्र सिंह के पिता ठाकुर कल्याण सिंह जयपुर रियासत के बीए पास करने वाले पहले जागीरदार थे। इसी के चलते ठाकुर कल्याण सिंह को तत्कालीन जयपुर रियासत के राजपुताना हाउस का जज बनाया गया था। उस दौर में ठाकुर कल्याण सिंह का बड़ा रुतबा होता था और वो इसी हवेली में रहा करते थे। फिर जब उनकी मौत हुई तो मौत के बाद खाजवी आवास हाउस उनके बेटे सुरेंद्र सिंह के पास आ गया था। बताते हैं, सुरेंद्र सिंह खाजवी आवास ने अपने भाइयों की जानकारी में लाए बिना इसे रमेश शर्मा के जरिए मुनव्वर चौधरी के परिवार को बेचा था। उस जमाने में विश्व हिंदू परिषद के राजस्थान अध्यक्ष जय बहादुर सिंह शेखावत ने अपने भाई सुरेंद्र सिंह के हवेली बेचने के खिलाफ थे। उन्होंने इसका विरोध भी किया था, लेकिन ये हवेली बिकी भी और बिकने से लेकर अब तक विवाद में ही है। करीब 300 साल पुरानी 6000 गज में फैली है कोठी। अब जब बात पूरी वीडियो में हवेली की हो रही है, तो जरा इस हवेली के बारे में भी बात करना तो बनता है। खाजवी आवास हाउस तब बनाया गया था जब कभी जयपुर शहर बनाया जा रहा था। माने दोनों की पैदाइश एक ही वक्त की है। खाजवी आवास के ठाकुर गुमान सिंह सवाई राजा जय सिंह के दरबार के कुछ प्रमुख सामंतों में शुमार थे। राजा ने प्रमुख सामंतों को गंगापोल चौकड़ी में हवेलियां बनाने के लिए जमीनें दी थी। करीब 6000 वर्ग गज में ठाकुर गुमान सिंह ने खाजवी आवास हाउस बनाया था। जी हाँ, उस दौर में जयपुर के आसपास इनामी डकैत शंभू सिंह का आतंक भी हुआ करता था। गुमान सिंह ने डकैत शंभू सिंह का सिर काटकर राजा के सामने पेश किया था। उसके बाद दूल्हे सिंह, शिवदान सिंह, राम सिंह, चतरमल सिंह, विजय सिंह, गोविंद सिंह ने खाजवी आवास हाउस की बागडोर संभाली। बाद में इस हाउस को बेच देने को लेकर विवाद हुआ और धारा 144 लगानी पड़ी। प्रॉपर्टी कारोबारियों का कहना है कि आज इस पेश कीमती जगह की असली कीमत का अनुमान लगाना भी मुश्किल है। 52 रजवाड़े थे यहाँ, कहलाती थी ओल्ड सिविल लाइन्स। देखिए, आसपास के पुराने लोगों ने बताया कि ये जगह कभी जयपुर रियासत की पुरानी सिविल लाइन्स हुआ करती थी। यहाँ रियासत के 52 रजवाड़े सामंत, जागीरदार और कामदार यानी सेक्रेटरी रहा करते थे। उस दौर में ये इलाका बड़े बड़े सामंतों की हवेलियों और उसकी चहल पहल से आबाद रहा करता था। इस हवेली के आसपास के बुजुर्ग बताते हैं कि इस पूरे इलाके में रियासत के बड़े जागीरदारों की हवेलियां और कोठी राज परिवार की परमिशन से बनाई गई थी। तब इलाके में सामोद हाउस, चोमुन हाउस, महार हवेली, रेनवाल हाउस, बांसखोहो हाउस,
उनियारा हाउस, बदनपुरा हाउस, सौबाग महल, बटवाड़ा हाउस, अलवर हाउस, नरवाड़ा हाउस, पदमपुरा जैसे चर्चित ठिकाने थे। कभी लगती थी आरएसएस की शाखाएं हवेली में आते थे आडवाणी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ राजनेता लालकृष्ण आडवाणी जनसंघ के वक्त से ही हवेली के परिसर में पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत से मिलने आते थे, तब यहाँ आरएसएस की शाखाएं भी लगा करती थी। जब लालकृष्ण आडवाणी देश के उप प्रधानमंत्री बने तब भी वो इस हवेली में लगने वाली आरएसएस की शाखाओं में आते थे। जिया, इन शाखाओं में राजनीति, समाज, धर्म और राष्ट्रवाद पर बड़ी चर्चाएं हुआ करती थी। इस हवेली ने कई ऐतिहासिक हस्तियों की आमद में अपने पलक बिछाए। देश के उपराष्ट्रपति रह चुके भैरव सिंह शेखावत भी इस हवेली में रहे हैं। उस जमाने वो रियासत के सेक्रेटरी थे और एमएलए बनने से पहले यहीं रहा करते थे। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस हवेली का इतिहास कैसा रहा होगा। आपको क्या लगता है कि क्या अब यहाँ से ये धारा 144 हटा देनी चाहिए, और अगर यहाँ पर 31 साल बाद भी इसकी जरूरत है तो क्या पहले यहाँ के हालात नॉर्मल नहीं करने चाहिए थे, और एडमिनिस्ट्रेशन अब तक वहाँ हालात नॉर्मल क्यों नहीं कर पाया? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।